तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक पेट्रोलियम से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टॉक का मतलब ऑसम स्टॉक है, फंडामेंटली भी ऑसम है स्टॉक। तो मेन इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करें तो 21 ईयर्स ऑलमोस्ट 1999 की जनवरी से ये कंपनी एक ही प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। और हाल ही में 2021 में ये कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, 2017 और 18 के बीच में एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर से वो कंसोलिडेट करते हुए रह गए। अभी फ़िलहाल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, 21 या 22 ईयर्स का जो कंसोलिडेशन जोन है वो पार करके अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और अभी भी ब्रेकआउट होने ही वाला था तभी मार्केट गिर रहा और ये स्टॉक भी नीचे गिर रहा था और अभी सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की प्रयास कर रहा है। तो क्या उसका टारगेट निकल के आएगा और कहाँ तक आप लोग होल्ड करके चल सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। अब प्रोज के बारे में बात करूँ, मैं जो पॉजिटिव है कंपनी के बारे में, कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 19.86 का डिविडेंड पे आउट कंपनी मेंटेन करती है। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑसम है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री। लेकिन ये नहीं है कि सब कंपनी के बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही है, नेगेटिव्स भी कुछ है। सेल्स ग्रोथ में आप लोगों को डाउन देखने को मिल सकती है, सेल्स ग्रोथ में गिरावट। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन कंपनी ओवरऑल क्या है प्रॉफिटेबल निकल के आ रही है। 46% रिटेलर्स का होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग कम होने के बावजूद 46% से रिटेलर्स का होल्डिंग है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है और LIC जो है वो अपना स्टॉक से एग्ज़िट कर लिया है स्टॉक से LIC। और आज के बारे में बात करें तो 62% माल लोग CNC में घर लेके गए हैं। तो चलिए टेक्निकल्स दिखा देता हूँ, कहाँ पे आप लोग एंटर कर सकते हो और क्या उसका टारगेट निकल जाएगा, सब कुछ दिखाया था। उसके बाद फंडामेंटल सब लोग डिटेल आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगा। ये आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, तमिलनाडु पेट्रो PR प्रोडक्ट्स होगा शायद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट्स ही होगा, पेट्रो प्रोडक्ट्स। 128 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3.17% डाउन था। आज अपर सर्किट भी इस स्टॉक ने हिट किया था, शायद अपर सर्किट नहीं मतलब जो 5% का मार्क होता है वो भी आज हिट किया था। अपर सर्किट तो बहुत ऊपर है, 10% में है शायद इस कंपनी का अपर सर्किट। अब कहाँ तक के लिए होल्ड करके चल सकते हो, सेम पैटर्न आप लोगों को सटिया हिंद कॉपर में देखने को मिला है। हिंद कॉपर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से नीचे गिरा, अभी सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। सटिया ने भी सेम एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे गिरा, अभी फिर से वो रेंज में वापस आ गया है। तभी आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, सपोर्ट तो लेके ऊपर जा रहा है, आप लोग आराम से होल्ड करके चल सकते हो फॉर द लेवल्स ऑफ 165 टू 170 के लेवल्स के लिए आप लोग आराम से होल्ड करके चल सकते हो। ये स्टॉक को ये इसका टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट नहीं गिरता है तो गाइस कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ अभी क्या होने वाला है, लेकिन आराम से आप लोग इस टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हो अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हो तो। अगर आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर ट्रेड से एग्जिट मारना है तो मत लेना, अदरवाइज आप लोग आराम से 170 तक का टारगेट, 165 टू 170 तक जो रेंज निकल जाता है उस रेंज तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से। चलिए ये हो गया टेक्निकल्स में इतना ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। और ये अगर देख सकते हो तो एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म करते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट पहले भी यही हुआ है, पैटर्न कंसोलिडेट ब्रेकआउट, उसके बाद फिर से एक पैटर्न, फिर से ब्रेकआउट, पैटर्न ब्रेकआउट, ये सेम पैटर्न स्टॉक फॉर्म करती है। और इस बार नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट के चलते ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखाया है इसने, अभी फिर से ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। अगर मार्केट नॉर्मल चलती है तो आराम से 165 टू 170 तक का टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है आप लोगों को। अब बात करें फंडामेंटल्स के बारे में तो चलिए दिखाता हूँ आप लोग कितना क्वांटिटी लोग आज माल घर लेके गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है, पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी में बात करें तो 905 क्वांटिटी 128.6 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग की तरफ। आज के बारे में बात करें तो 617,000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 800 लाख रुपीज़ के आसपास, टू बी एग्जैक्ट 797.86 लाख रुपीज़। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 61.70% ऑलमोस्ट 60% के करीब निकल के आ रहा है, जो कि 50% प्लस है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जो अपर प्राइस बैंड था आज वो देख सकते हो 149 का था, मतलब इसके नज़दीकी था ऑलमोस्ट, मतलब 5% का मार्क इसने टच किया था आज। अब दिखाया था कंपनी क्या करती है, क्या इसका मार्केट कैप निकल कर आता है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, वो सब आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंपनी क्या करती है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो।
तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स हाँ प्रोडक्ट्स ही था वो। पेट्रो प्रोडक्ट्स इज प्राइमरली एंगेज इन द मैनुफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स विज लीनियर एल्कलाइन बेंजिन कॉस्टिक सोडा क्लोरिन एंड इट्स डेरिवेटिव दैट इट्स फैसिलिटीज सिचुएटेड एट मनाली चेन्नई। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। PE 7.88 है। ROCE भी ठीक ठाक ही है 27.8%। ROE भी शानदार है 20.7%। एक साल में आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 400% के आसपास का गेन देके जा गई है कंपनी। करंट प्राइस बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। कंपनी डिविडेंड देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव, अभी तो जून का क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो गया, ये अपडेट नहीं किया है स्क्रीनर ने अभी भी। कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.53% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। डिविडेंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.86%। कॉन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया पोर सेल्स ग्रोथ, एटलीस्ट सेल्स तो पॉजिटिव मतलब ग्रोथ भी है लेकिन वो पॉजिटिव में ही है, प्रोमोटर होल्डिंग कम है, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में बात करते हुए आप लोग देख सकते हो एक शानदार सेल्स में जंप देखने को मिली है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है। कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है, इसके चलते जो सेल्स में इतना ज़्यादा 100 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिला है, टू बी एग्जैक्ट 112 करोड़ का जंप, उसके चलते सिर्फ 7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप देखने को आप लोगों को मिला है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट कम हुआ है लेकिन सेल्स फिगर अच्छा था इस बार का। ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस में एक शानदार जंप देखने को आप लोगों को मिला है, ऑलमोस्ट डबल के ऊपर, डबल से भी ऊपर, 55 का डबल अगर करते हैं तो 110 निकल जाता है 110। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी ने अपना डेब्ट इंक्रीज किया है लेकिन इसके रिजर्व के चलते ये कुछ भी नहीं है, कभी भी कंपनी कर्जा मुक्त हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया LIC ने अपने जो स्टेक है वो बेच दिया है कंपनी में। पब्लिक के बारे में बात करें तो देख सकते हो आप लोग बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 46% के आसपास जो है रिटेलर्स का होल्डिंग निकल के आ रहा है कंपनी में। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज। बाय, स्टे होम स्टे सेफ गाइज। और अगर आप लोग कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो या तो फिर DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। क्या है DM में थोड़ा रिप्लाई देने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे DMs पेंडिंग हो रखे हैं लेकिन और कमेंट्स कम है कंपेयर टू द DM, इसलिए कमेंट में ज़्यादा रिप्लाई हो जाता है। कमेंट में 2 या 3 घंटे के अंदर रिप्लाई दे देता हूँ मैं। DM में वक्त लगता है, 1 या 2 हफ्ते भी हो सकता है। कितना भीड़ है मतलब कितना पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो पहले लाइन में आए उन्हीं को मैं पहले रिप्लाई करता हूँ। बाय गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।